अनूपपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि आए दिन विभागीय लापरवाही के कारण आम जनमानस को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाल ही के दिनों में कोतमा स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत निगवानी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दर्द से पीड़ित प्रसूता दरवाजे पर दर्द से बिलख रही थी। वहीं कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नाबालिग बच्चे की मौत हो गई थी। ताजा मामला 3 वर्षीय बालक का है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई है। जहां परिजन ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी पर पदस्थ डॉक्टर की लापरवाही से उसके बच्चे की मौत हुई है। पहले यहाँ से लेके गया सरकारी हॉस्पिटल। कितने बजे ले गए थे? यही 10-10:30 के आसपास। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? वहाँ बोले कि पर्ची कटवाया मैं, डॉक्टर के पास गया तो वो बोला, पहले बोला बस स्टैंड ले जाओ गौतम के यहाँ, फिर वहाँ मैं गया तो वहाँ फिर वो भेजा, फिर यहाँ आया तो फिर दोबारा मैं जब जाने लगा तो वो बुला के 3 सूजी लगाए हैं नर्स। इसके बाद फिर बोले कि भर्ती नहीं करेंगे हम, भर्ती वहाँ जा करवा दो भालूमाड़ा में। वहाँ गया तो वहाँ भी बोले ये तो कहे वो वाला नहीं है, वो कंपनी वाला है। वहाँ फिर लेके आया हूँ, फिर यहाँ गया, फिर इसके बाद हो गए बच्चे ख़त्म हो गए। तो कौन बोला आपको कि यहाँ वहाँ ले जाने को? ये जो डॉक्टर जो बैठते हैं नीचे, जो देख पहले देखते हैं लेके जाए। अच्छा, कौन, कोई किस उम्र का था? पहले नंबर में। नाम पता है आपको? नहीं पता, नाम से नहीं पूछा। कितने बजे ले गए थे आप? मैं 10-10:30 के आसपास। जब हॉस्पिटल दोबारा लेके बच्चे को गए थे तो बच्चा जिंदा था? अरे अभी तक जिंदा था, मान लो ये आधा घंटा पहले। अच्छा, वहाँ भी दिखाया, जब इंजेक्शन लगाए थे तब भी जिंदा था बच्चा? तब हंसता फूलता था, ज्यादा दिक्कत भी नहीं रहा। अच्छा। उसके बाद खत्म हुआ इंजेक्शन लगाने के बाद? और वहाँ जो डॉक्टर थे वो बोले कि आप बस स्टैंड वाले डॉक्टर साहब के पास ले जाओ। जो नीचे बैठे हुए डॉक्टर और नर्स लोग देख रहे थे, बार बार नहीं देखे, बार बार ऊपर नीचे, खाली वो 3 सूजी बस लगाए, बस हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं किए। पूरी लापरवाही डॉक्टरों की, पूरे लापरवाही डॉक्टर, ऊपर नीचे आपको भेजते रहे जी। नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। मनोज वहाँ बोले तो वहाँ भी ले गया, तो वो बोले सर हॉस्पिटल में हो गए, बाटल वोटल चढ़ेगा। ये भालूवाड़ा भेजे, भालूवाड़ा का।